ये मेरी कैलेंडुला है, देख रहे हैं आप ये। और इनमें ये इस तरह के फूल जो सूख जाते हैं ना, इस तरह के जो डेड हो जाते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने डाल दिए। और ये मतलब ये ग्रीन था, इस तरह से ग्रीन ग्रीन थे, देखिए अभी भी ग्रीन है ये। दे तो इस तरह से मैंने इसमें ऐसे डाल दिए थे। और ये कमाल देखो आप, किसी कहते नहीं किसी किसी के हाथ की बात भी होती है। ये मैंने सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिए थे, मतलब मैंने सोचा डीकम्पोज हो जाएंगे, खाद बन जाएगी, इधर उधर फेंकने से क्या फ़ायदा। तो मैंने ऐसे तोड़ा, इस तरह से तोड़ा, इस तरह से तोड़ा और ऐसे डाल दिया। ठीक है, इस तरह से डाल दिया और ये सभी जर्मिनेट हो रहे हैं। देखिए ये सब जर्मिनेट हो रहे हैं, ये जितने भी मैंने ऐसे फेंके हैं सभी जर्मिनेट हो जाएंगे। मुझे तो पता नहीं क्यों लोगों के सीड नहीं उगते, मेरे तो मैं तो बस ऐसे ही डाल देती हूँ, मेरे सारे जर्मिनेट हो जाते हैं। देखिए ये जर्मिनेट हो रहे हैं, कुछ मैंने इधर डाल दिए थे तो ये भी जर्मिनेट हो रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, मैंने सिर्फ तोड़ तोड़ के ऐसे फेंक दिए। मैंने सोचा चलो डिकम्पोज हो जाएंगे, देखिए अभी भी एक आध ऐसे पड़े हुए हैं, डिकम्पोज हो जाएंगे, मगर ये सारे ही जर्मिनेट हो रहे हैं। देखिए है, और दिखाऊं मैं, ये देखिए इसमें मैंने कुछ डाल दिए थे, फेंक दिए थे, ये देखिए ये सब जर्मिनेट हो रहे हैं। ये देखिए ये जर्मिनेट हो रहे हैं। तो मेरे यहाँ पता नहीं क्यों इजीली जर्मिनेट हो जाते हैं लोग, क्या नहीं होते, तो इसमें मेरा क्या कसूर है ना, मेरी क्या गलती। देखिए इसमें ये कैलेंडुला का ये भी लगा हुआ है अभी, सीड पॉट भी, ये देखिए, ओह सॉरी, ये देखिए, ये देखिए, बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं मेरे यहाँ अपने आप ही। मैं तो जर्मिनेट ना भी करना चाहूँ ना तो भी जर्मिनेट हो जाते हैं। देखिए छोटे छोटे सभी उग रहे हैं, ये देखिए सब उग गए हैं। अब मैं इतने सारे प्लांट का क्या करूँगी। मैंने इस तरह से बहुत से लोगों को दिए भी हैं, बहुत से फेंके भी हैं, तो मैं बस ये इस तरह से मैं तोड़ती रहती हूँ, ऐसे तोड़ती हूँ, ऐसे ऐसे तोड़ के और ऐसे डाल देती हूँ, बस इतने में जर्मिनेटर जर्मिनेट हो जाते हैं। ये देखिए ये जर्मिनेट हो रहे हैं, इधर ये है, ये है, ये भी जर्मिनेट ही हो रहा है। देखिए देख रहे हैं आप, ये इसमें कैलेंडुला का ही लगा हुआ है, तो सभी बहुत इजीली जर्मिनेट हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ भी कर रहे हैं फ्लावर। देखिए ये और ये कुछ ऊपर हैं, सारे मेरे सीड ग्रोन ही है ना, ये भी सीड से ही ग्रो हुए हैं। और ये भी देखिए पॉपी, ये भी मेरे सीड से ही ग्रो हुए हैं सारे, कुछ भी मैंने अपने खरीदे नहीं है। ये देखिए डेमोफोर्टिका है और ये भी है, और ये छोटे छोटे से पॉट है, ये भी नहीं, ये तो मैंने ग्लास में लगा रखा है। देखिए इतने छोटे से ग्लास में रखा, कितना बूशी हो गया है, तो बहुत आसानी से ये जर्मिनेट हो जाते हैं। देखिए ये, और अगर मैं ऐसे तोड़ दूँ, ऐसे तोड़ दूँ और तोड़ करके बस मैं इसमें ऐसे छोड़ दूँ, मुझे मिट्टी में भी दबाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे छोड़ दूँ और ऐसे जर्मिनेट हो जाएगा, फिलहाल हवा में उड़े ना तो ये ऐसे ही जर्मिनेट हो जाएगा। तो बहुत ही ईजिली मेरे यहाँ जर्मिनेट हो रहे हैं। और ये देखिए सदाबहार, ये देखिए ये इनका, ये धरिए देखिए, मेरे यहाँ सीड बहुत सारे ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए ये भी लास्क पर ही है, बहुत आसानी से ग्रो हो रहा है, देख रहे हैं आप ये। और ये मेरे वो हैं, फिर इसकी इसकी कटिंग्स लगाई थी, वो हैं ये मैंने लास्ट में लगाई थी जब मैं प्लांट लेके आई थी ना, ऑस्ट्रेलियन हिबिस्किस जो पद्मनगर से लेके आई थी, वही अप्रैल, नहीं अप्रैल में नहीं, क्या महीने मंथ में लगता है, अक्टूबर में, अक्टूबर में लेके आई थी, तभी लगाया था। अभी भी थोड़ा सा ज़िंदा है, देखो शायद ये फिर से रिवाइव कर जाए। ये वाला नहीं होगा, ये वाला तो नहीं होगा, गल गया है, पर इसमें ग्रीनरी है, इसे मैं धूप में रख दूँगी तो शायद अच्छे से चल जाए। और ये सीड ग्रोन चिंची रिची है, ये सीड से ग्रो किए हैं। और ये देखिए मेरा पिंक कलर का है, ये पिंक कलर का है। तो मेरे यहाँ सब आसानी से सीड्स ग्रो हो जाते हैं, कोई इशू नहीं होता है, बहुत सारे सीड ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए ये बर्बीना ग्रो हो रहा है, ये देखिए ये बर्बीना है, ये बर्बीना है, ये तो खैर कटिंग लगाई थी, ये सीड से ग्रो किए हुए बर्बीना है। ये देखिए ये भी बर्बीना है, सीड से ही ग्रो हुआ है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। पता नहीं लोगों के यहाँ क्यों नहीं होते हैं ग्रो। हाँ जो मैं बाहर से ख़रीदती हूँ वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, वो ग्रो नहीं होते हैं, बाकी मेरे पास सभी ग्रो हो जाते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, मैंने मार्केट से लेके आई थी इसमें के सीड लेके आई थी बेनेडियम के, तो कोई भी ग्रो नहीं हुआ, तो आखिर में प्लांट लेके आई है, तो मेरे जो बाहर से खरीदती हूँ वो मेरे ग्रो नहीं होते हैं, बाकी सभी उग जाते हैं। ये देखिए ये पॉपी कितने छोटे से पॉट में ग्रो हो रहा है, पिटूनिया भी सब ग्रो हो रही है, ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रही है, ये पिटूनिया सभी में चल रही है, पिटूनिया बहुत इजीली चल जाती है मेरे यहाँ, सब ग्रो हो जाते हैं आसानी से, पर पता नहीं लोगों के यहाँ क्यों नहीं ग्रो होते हैं, है ना।
और ये लक्ष्मी कमल देखो, इसके ढेर सारे बेबीज निकल रहे हैं नीचे से, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं लक्ष्मी कमल के ढेर और बेबीज इसके अंदर से आ रहे हैं। ये जरूर बारिश हो गई तो ये ख़राब हो गया है अभी, क्योंकि सेल्फ पॉटिंग वाला प्लांट है तो इसमें पानी अपने आप मिलता रहता है, नीचे से भरता रहता है मिलता रहता है, तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो गए हैं। चलो इन्हें इधर देते छाया में। और ये मेरे कैलेंडुला हैं, ये भी, ये देखिए, ये रेड वाला कैलेंडुला है, ये इस तरह का कैलेंडुला, और ये भी कैलेंडुला है, ये डिफरेंट कलर है, इनमें भी सीड तैयार हो रहे हैं, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये सारे सीड तैयार हो रहे हैं इसके, सभी में सीड नहीं बनते हैं, कुछ बिना सीड के भी होते हैं, ये देखिए ये बिना सीड का ही था, पॉलिनेशन नहीं होता है, पॉलिनेट नहीं होते तो ये इस तरह के हो जाते हैं। देखिए हाइब्रिड बिन का मेरे ये सारे ग्रो हो रहे हैं, ये पर्पल वाला है, हाइब्रिड बिन का है, जो पर्पल दिखाया था मैंने आपको, जिसकी मैं सीड सेल कर रही हूँ, वो है ये, इसके कुछ सीड गिर गए हैं, एक पूरा निकल के गिर गया है, तो ये सीड से मेरे यहाँ हाइब्रिड बिन का भी बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। देखिए एक प्लांट ये हाइब्रिड बिन का ये वाला, तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, पता नहीं लोगों के यहाँ नहीं होते हैं ग्रो, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज़, ठीक है। ये भी देखिए, ये ब्लैक ब्लैक सीड हैं इसके, ये देखिए, कुछ लोग सीड की पिक्स मांगते हैं कि मुझे सीड दिखाओ, ये देखिए ये सीड के सीड ही है ये, ठीक है, अभी नहीं तोड़ूंगी तो ये बिखर जाएंगे, जैसे एक वो बिखर गया मुझे मिलेंगे ही नहीं सीड, ये देखिए, तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ ये इजीली अपने आप ही उग जाते हैं। ये पूरा बंदर ने तोड़ दिया था, कल गिर गया, पूरा ही वहाँ से गिरा दिया था, बहुत गुस्सा आया था, क्या ही कर सकते हैं, बंदर हैं, तोड़फोड़ मचाते ही हैं। फ्रेंड्स नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।